ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना का कोहराम जारी है, वहीं सियासत भी कहीं पीछे नहीं है। प्रदेश के बाड़मेर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर खोलने को लेकर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और प्रदेश सरकार में मंत्री हरीश चौधरी के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ बयानबाजी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के बाड़मेर जिला प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाने के एक दिन बाद मंगलवार को गहलोत सरकार में मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि यह समय गंभीरता दिखाने का है, न कि एक दूसरे पर आरोप लगाने का। कोरोना को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सोमवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक में बीजेपी नगर इकाई के लिए कोविड सेंटर संचालन की अनुमति देने की पैरवी की थी। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप भी लगाया था। जिले में सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने हर विधानसभा में एक एक दो दो कोविड सेंटर शुरू कर दिए हैं। जहां उनको जरूरत लग रही है, वहां और भी कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं। इस पर मंगलवार को राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह समय आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। दरअसल कैलाश चौधरी का आरोप था कि हमारे कार्यकर्ता कोविड सेंटर संचालन की अनुमति मांग रहे हैं, तो जिला प्रशासन दे नहीं रहा, जबकि हम बेड लगाने, ऑक्सीजन, दवाई, खाना पीने की व्यवस्था सहित कार्यकर्ता भी दे देंगे। कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रशासन तो हमें सिर्फ डॉक्टर और नर्सिंग दे, बाकी सारी व्यवस्था हम कर देंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री चौधरी ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी के लोग जहां चाहे वहां कोविड सेंटर खोल सकते हैं। कैलाश चौधरी के आरोपों के जवाब में हरीश चौधरी ने कहा कि अभी हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जब आपदा से हम जीत जाएंगे, तब सभी चीजों पर विश्लेषण कर लेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।